नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामूल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो मनी प्लांट है ये हमने इंडोर रखा हुआ था और अभी बारिश की सीजन, इसमें कुछ जो है नई रूट्स जो है वो निकली है। तो मैं सोच रहा हूं कि जो हमारा जो मोस्टिक है ये उससे बड़ी हो गई है, क्यों ना हम इसको यहाँ से कट करके जो है प्रोपोगेट कर लें एक अलग प्लांट की तरह। तो आज हम इसको यहाँ से कट करेंगे और उसको प्रोपोगेट करेंगे। दूसरा, मैं आपको जो छोटी मनी प्लांट है उसका भी बताऊँगा कि कैसे आप उसको जो है अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए जो हम सोइल है वो कौन सा यूज़ करेंगे और उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये कंपोस्ट है, ये परलाइट है और ये गार्डन सोइल है। तो इनको हम मिक्स कर लेते हैं, पहले इन सब को हम मिक्स कर लेते हैं। चलिए, जो मिट्टी है वो हमने तैयार कर ली है, अब हम जो प्लांट से जो कटिंग है वो लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, जहाँ पे बैंड है ना इसका, वहाँ से। और यहाँ पे एक रूट भी है तो इस रूट को भी हम साथ में ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमने अलग कर लिए। अब इसको हटा देते हैं, इस प्लांट को हम साइड में कर देते हैं एक बार। दोस्तों, ये पॉट जो है छोटा है तो हम दूसरा पॉट लेते हैं जो बड़ा है। तो मैं एक बड़ा पॉट ले कहता हूँ जिसमें पहले से मैंने कुछ सोइल डाल रखे आप तक, उसके बाद का जो सोइल है वो हम ये वाला यूज करेंगे। दोस्तों, हम ये जो पॉट है ये यूज करेंगे और इसको हमने लगा दिया यहाँ पे, स्टिक को पहले हमने लगा दिया। थोड़ा सा हम इसको साइड में करते हैं यहाँ पे, तो इसका एक लीफ जो है हमें कट करना पड़ेगा, या मैं ऊपर की साइड मोड़ देता हूँ यहाँ पे। और जो ये रूट्स है मैं कोशिश करता हूँ कि इनके अंदर इसको डाल सकूँ ताकि ये यहीं पे सेट हो जाए। तो इसके लिए मुझे एक स्टिक लेनी होगी और इसका जहाँ जहाँ पे ये आएंगे हम इतना इसको रख लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है होल कर देता हूँ मैं इस तरह से, यहाँ पे, ठीक है। और इसको जो मैं एक रस्सी से जो है यहीं पे बांध देते हैं। ये रस्सी आपको परमानेंट नहीं रखनी है, सिर्फ एक बार टेम्परेरी हम लगा रहे हैं ताकि प्लांट जो है एक बार इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। और मोस्टिक जो है इसमें अगर आप नमी रखेंगे तभी जो है इसके अंदर रूट्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। अब इसको हम कट कर देते हैं। अब सेम ऐसे ही जो है हम नीचे से करेंगे, नीचे का जो हिस्सा है इसमें, यहाँ पे भी हम सेम ऐसे इसको रस्सी से बांध देंगे। अब इसके अंदर जो बाकी सोइल है वो हम ऐड करेंगे। आप देखिए, अब ठीक है ना, अब ये ऐसे अभी तो यहाँ पे जब रूट्स आएगी और ये पत्ती खुलेगी तो इसको क्या हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, जो नई ग्रोथ निकलेगी इसमें से उसको इसके साथ साथ में इस तरह से। तो चलिए, इसमें पहले सोइल ऐड कर देते हैं। हल्का हल्का हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि जो स्टिक है एक तो ये भी स्टेबल हो जाए और प्लांट जो हमारा वो भी ठीक हो जाए। अभी इसमें मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा हूँ सोइल और के लिए, ताकि जब ये थोड़ी ग्रोथ स्टार्ट करेगी तो इसकी मिट्टी जो है हम थोड़ी सी और इसके अंदर जो खाद है वो ऐड करके ऐड कर सकेंगे। कुछ दिन बाद ये भी एक बड़ा मनी प्लांट बन जाएगा और इसकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि जो छोटा मनी प्लांट है उसको भी हम इसी तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट मैंने कुछ दिन पहले लगाया था, इसमें देखिए अभी एरियल रूट्स जो है वो काफ़ी ग्रो हो गई है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसमें जो एक्स्ट्रा है उनको तो हम प्रोपोगेट कर लेंगे अलग से। तो ये देखिए, ये जो बेल है इसमें जो रूट्स है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। इनकी रूट्स को क्या करना होगा, जो मोस्टिक है इसके अंदर जो इन रूट्स को डाल देंगे और इनको जो है बरसात के सीज़न में आप बाहर रखिए सीजन में, ताकि इनकी जो रूट्स है
ये इसके अंदर ऑटोमेटिक अपनी जो जगह है वो बना सके। ये एक बार इसके अंदर जगह बना लेगी तो फिर ये अपने आप ग्रो करता जाएगा। तो मैं इस तरह से इसको यहीं पे बांध देता हूँ एक बार। दोस्तों देखिए, ये जो मनी प्लांट है इस पे अभी जो हमने जो बेलें हैं वो चढ़ाई है, कुछ दिन बाद ये पूरा जो है भर जाएगा और ये जो छोटा सा पॉट है ये भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। दोस्तों आप भी इस तरह से जो है मनी प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन कुछ दिन बाद जो है जो हमारा दूसरा मनी प्लांट है वैसे ही प्लांट ये तैयार हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।